कोरोना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता देते हैं कोरोना अपडेट। पिछले 24 घंटे में कितने मामले सामने आए। कोविड-19 को लेकर देश में हालात लगातार सुधरते जा रहे हैं। जो संक्रमितों का ग्राफ है वो गिरता चला जा रहा है। 1,65,186 नए कोरोना केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। ये अपडेट आंकड़ा जो है कोरोना केसों का हम आपको दिखा रहे हैं। 3,460 लोगों की मौत एक दिन में हुई है। देश में अब तक कोरोना से 3,22,384 लोगों की मौत हो चुकी है। ये टोटल आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक दिन में 2,73,806 कोरोना मरीज भी ठीक हुए हैं। देश में जो एक्टिव केसों की संख्या है वो भी 22,14,000 के तकरीबन है। तो इतना साफ है कि अब संक्रमितों का ग्राफ लगातार गिरता चला जा रहा है। देश में हालात सुधरते जा रहे हैं। वैक्सीनेशन भी हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि संक्रमितों का ग्राफ लगातार गिरता चला जा रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो मौत के आंकड़े हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। देश में अब तक कोरोना से जो मौतें हो चुकी हैं वो 3,00,000 को आंकड़ा पार कर चुका है। अब संक्रमितों का जो आंकड़ा है धीरे धीरे तकरीबन 1,50,000 पर आ चुका है। हर दिन संक्रमितों का ग्राफ लगातार गिरता चला जा रहा है। ये राहत की सांस है सरकार के लिए भी और स्वास्थ्य विभाग के लिए भी, देश के नागरिकों के लिए भी। अगर संक्रमितों का ग्राफ गिरता चला जा रहा है तो, क्योंकि हर कोई चाहता है कोरोना खत्म हो जाए, कोरोना से निजात पाएं, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि आप मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा मेंटेन रखिए ताकि कोरोना से बच सके। तो जैसे ही ये ग्राफ लगातार गिरता चला जा रहा है, हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों ने अपने अपने अलग अलग तरीके से लॉकडाउन लगाया हुआ है, पाबंदियां लगाई हुई हैं, और उन्हीं पाबंदियों का असर देखने को मिल रहा है कि कोरोना केसों में लगातार गिरावट भी आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो वहां पर लगातार केस बढ़ते चले जा रहे थे। एक दिन ऐसा भी था जो कि एक दिन में 27,000 से 28,000 केस आते थे, लेकिन आज वहां पर वो दिन आ चुका है कि एक दिन में सिर्फ 1,000 केस सामने आ रहे हैं। स्थितियां बहुत ज्यादा सुधरी हैं। लॉकडाउन को उसके लिए प्रभावी माना जा रहा है क्योंकि कोरोना की चेन को तोड़ने में लॉकडाउन का बहुत बड़ा योगदान ये कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली की बात नहीं है बल्कि उसके अलावा भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अलग अलग तरीके से पाबंदियां लगाई गई हैं। तो देश में जो कोरोना का ग्राफ है, कोरोना संक्रमितों का ग्राफ लगातार गिरता चला जा रहा है, लेकिन मौत के जो आंकड़े हैं वो अभी तक कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो एक वक्त था कि 4,000 को वो आंकड़ा हर रोज क्रॉस कर रहा था, लेकिन अभी भी 3,000 से ऊपर है, 3,000 से नीचे मौत का आंकड़ा नहीं आ रहा है। हालांकि इतना साफ है कि कोविड-19 को लेकर देश में हालात सुधरते जा रहे हैं। राहत की सांस है। तो 3,460 लोगों की मौत एक दिन में हुई है। कोरोना से जो लोग ठीक हो रहे हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता हमारे साथ मुंबई से इस वक्त जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, अब हम देख रहे हैं कि संक्रमितों की संख्या में लगातार जो ग्राफ है संक्रमितों का वो गिरता चला जा रहा है, ये राहत की बात है। जी, जय तौर पर देखिए, लगातार जिस तरह से वैक्सीनेशन का काम जोरों पर किया जा रहा है, टेस्टिंग भी जोरों पर की जा रही है, वही भारत सरकार कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अवेयर हो वैक्सीन लेने। ऐसे में जिस तरह से लगातार मुंबई महाराष्ट्र का रीजन पे देखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं कम होता जाता है। जैसे तो कहीं पे मुंबई करों के लिए बड़ी राहत की बात है, इस तरह से 24 घंटे के अंदर 954 मामले जो है मुंबई के आए हैं, जबकि महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 20,000 के आसपास जो है महाराष्ट्र के आए। तो जाहिर तौर पर कहीं कहीं ये जो ग्राफ है वो कहीं के सुकून देने वाले महाराष्ट्र सरकार के लिए और मुंबई करों के लिए। लेकिन जिस तरह से मौत के आंकड़े अभी भी बरकरार है, हालांकि मुंबई में 30 लोगों की मौत हुई तो महाराष्ट्र में 454 लोगों की मौत हुई, तो वो कहीं कहीं जरूर चिंता का विषय है। लेकिन लगातार जो कोरोना संक्रमण के ग्राफ है वो लगातार गिरते जा रहे हैं। मौत के आंकड़े मुंबई में भी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्या वजह लग रही है? क्योंकि जो पाबंदियां लगी हुई हैं उनका पालन किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है? जो फैसिलिटी अस्पतालों में मरीजों को मिल पा रही है वो कैसी है? क्योंकि आंकड़े कम ना होना इसके पीछे कोई बड़ा कारण हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर जो हॉस्पिटल के डीन है उनके अनुसार उन्होंने बताया कि जो मौत के आंकड़े हैं उसका कारण ये भी हो सकता है कि पिछली बार देखा गया था जब कोरोना संक्रमित लोग होते थे तो तुरंत जो है डॉक्टर को संपर्क करते थे। अब ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं कि अभी भी संक्रमण होने के बाद 2-4 दिन खुद अपनी व्यवस्था करते, अपनी दवाइयां करते हैं, लोगों को बताते नहीं है, छुपाने की कोशिश करते हैं।
लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर हॉस्पिटल में जाते हैं तब तक काफी देरी हुई होती है, क्योंकि उनका जो ऑक्सीजन लेवल होता है काफी नीचे गिर गया होता है। ऐसे में इस तरह की परिस्थिति में डॉक्टर के हाथ में भी कुछ रह नहीं जाता, इसलिए उनको बचाया नहीं जा सकता। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो देश में जो कोरोना संक्रमितों का ग्राफ है वो गिरता चला जा रहा है, यानी कह सकते हैं कि कोविड 19 को लेकर देश में हालात सुधर रहे हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।